टोटल नेताओं का आज तक के सारे नेता उनके काम एक तरफ रख दो और अपने भाई राजेंद्र गुड्डा को दूसरे पारी पर रख दो। हमने मात्र मुद्दुपुरवाटी के अंदर 22 हायर सेकेंडरी स्कूल थे, आज 73 है। आपके लोगों को बड़ा गांव शीतल असलसर बजावा यहाँ के लोगों को तहसील के लिए मुद्दुपुरवाटी जाना पड़ता था, उप तहसील बनाई, आज आपके गुड्डा में तहसील बनाया। आयुष्य बिजली का भी नवलगढ़ नहीं जाना पड़ा, यहीं बैठ गए। और ये जो सारी चीजें बोलने के लिए कोई कुछ भी बोले, नीम का दाना जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, जिस तरीके का लोगों ने जिले का प्रचार किया, दुष्प्रचार किया, सारी चीजें आपके सामने हैं। मैं तो आपको एक ही चीज बता देना चाह रहा हूं, मैंने कुर्सी पर बैठ के न्याय किया है, कोई भी आदमी मेरे पास गया तो मैंने उसकी मदद की है, किसी भी आदमी को मैंने निराश नहीं लौटाया, चाहे व्यक्तिगत काम हो चाहे सार्वजनिक काम हो, हमने हमारी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कई छोटी सी दिक्कत पंचायत का कोऑपरेशन नहीं मिलने से जो गति काम में आनी चाहिए थी, जिस तरीके से हम काम सोच रहे थे उसमें बीच बीच में बरेकर आते रहे। मेरा तो यही कहना है, किसी भी पार्टी का सरपंच हो चाहे एमएलए हो, एक दूसरी विचारधारा के भी हो, तो भी गांव के विकास को तो वेलकम करना चाहिए। कोई भी गांव का विकास हो, कहीं से भी आए, आज बीजेपी की दिल्ली में सरकार है, सड़कों के मामले में कई बार एमपी और हम पार्लियामेंट मेंबर नरेंद्र कीचड़ बीजेपी के हैं, मेरी विचारधारा दूसरी है, लेकिन हम विकास के लिए एक साथ उद्घाटन भी करते हैं, एक साथ बैठ के डेवलपमेंट की बात भी करते हैं। मुद्दा यह है कि विकास होना चाहिए, और जिस तरीके से आपकी यहाँ पंचायत का जो रवैया रहा वो एक प्रकार से विकास के अंदर बाधक रहा, इसकी वजह से जितने काम और ज्यादा हो सकते थे उन कामों में ब्रेक लगा। आगे की बात ये बताना चाह रहा हूं, मैंने आपका पूरे राजस्थान में मान सम्मान बढ़ाया है। राजेंद्र गुड्डा जो चुनाव जीत के गया वो कोई कांग्रेस और बीजेपी अशोक गहलोत और वसुंधरा की मेहरबानी से नहीं गया, आप लोगों का आशीर्वाद था, छत्तीसगढ़ के लोगों का आशीर्वाद, 36 करोड़ के लोग, यदि छाती के ऊपर समाज के ऊपर वोट पड़े तो सीतल में तो शायद मेरे समाज का एक वोट भी नहीं है, एक भी। लेकिन वोट क्वालिटी के ऊपर, काम के ऊपर पड़ते हैं, वोट कास्ट पर नहीं पड़ता। आदमी कास्ट नहीं, क्वालिटी देखता है, काम देखता है, और उसके ऊपर सीतल में 1300 वोट मिले मुझे। आप सोच सकते हो, यहाँ पर नहीं तो गुर्जर समाज का कोई ज्यादा सिस्टम है, सैनी समाज भी नहीं है, राजपूत समाज, सैनी भी जीरो है, राजपूत भी जीरो है, और सभी समाज। तो मैं कहता हूँ जाति से राजनीति नहीं चलती, आज भी दिल खोल के काम करे, सभी जातियों के लोग आशीर्वाद देते हैं। आपने मुझे राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में बैठाया, वहां बैठ के हमने अच्छे फैसले भी किए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, बीमार के लिए अच्छे फैसले किए हमने, लेकिन कानून व्यवस्था खराब हो गई। राजस्थान के अंदर महिलाओं के प्रति अत्याचार पूरे हिंदुस्तान में एक नंबर पर आ गए। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की जनसंख्या है, 25 करोड़, हमारी जनसंख्या 7.5 करोड़ है। जनसंख्या के अनुपात में यदि अपराध हो तो उत्तर प्रदेश के महिला अपराध, दूसरे अपराध हमसे 4 गुना होने चाहिए, 4 गुना। लेकिन उत्तर प्रदेश महिला दुष्कर्म में, अपराध में हमसे पीछे, हम उत्तर प्रदेश से आगे चले गए।
पांच सात दिन पहले आपको पता है कि आपके असलसर गांव के अंदर एक बच्ची सोते समय उसका गला काट दिया गया। महिलाओं के तरह जिस तरीके के रोज दुष्कर्म हो रहे हैं, महिलाओं में हत्याएं हो रही है, एक असुरक्षा का भाव है, डर का भाव है, और इसलिए राजेंद्र हुड्डा जनता के प्रति सीधी जिम्मेदारी है, सीधी और सीधी जिम्मेदारी से लोग क्यों लोगों के जवाब सीधे आते हैं, सीधे प्रश्न पूछते हैं कि बुढ़ाई क्या हो रहा है। नौजवान एक उम्मीद के साथ नौजवान ने मुझे राजस्थान के विधानसभा में भेजा था, आज आरपीएससी को नाथी का बाड़ा बना के छोड़ दिया गया है। पेपर आउट हो जाते हैं, पेपर बिक जाते हैं, सेंटर बिक जाते हैं, सारे के सारे सिलेक्शन एक ही सेंटर के हो जाते हैं। बच्चे माता पिता अपने बेटे बेटी को उम्मीद के साथ स्कूल में भेजते हैं, कॉलेज की पढ़ाई कराते हैं और उसके बाद में कोचिंग करा के तैयारी कराते हैं एक उम्मीद के साथ के बच्चा हमारे परिवार का सहारा बनेगा, बुढ़ापा का सहारा बनेगा, ये सरकार की नौकरी लगेगा, अफसर बनेगा, हमारे परिवार की स्थिति बदल जाएगी और वो बच्चा तैयारी के लिए जाता है और वहां सारे सिलेक्शन छिपाल से हो जाते हैं, पेपर आउट हो जाते हैं। अभी 215 थानेदार बने राजस्थान में, थानेदार एक ही सेंटर के, एक गांव के 100 थानेदार बन गए, एक सेंटर के 200 बन गए, पूरे राजस्थान में 15 थानेदार। वो सेंटर बिक गया, पूरा सेंटर बिक गया, जिन बच्चों ने तैयारी की थी, रात दिन मेहनत की, वो रह गए। एक दिन यदि व्यक्ति मजदूरी करता है उसको मजदूरी नहीं मिले तो वो दुखी हो जाता है। 20-20 साल के, 25-25 साल के बच्चे पूरी रात दिन मेहनत करके लास्ट में सरकार की नाकामी से तो फेल हो जाते हैं। इस पूरे सिस्टम के अंदर आरपीएससी का चेयरमैन, आरपीएससी का मेंबर कौन बनाता है? आरपीएससी का मेंबर कौन बनाता है? वो आरपीएससी के मेंबर को मुख्यमंत्री के साइन से बनते हैं और मुख्यमंत्री के साइन से जो मेंबर बनते हैं, चेयरमैन बनते हैं, वो पेपर भेजते हुए पकड़े जाते हैं, जेल चले जाते हैं। बनाने वाले की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, किसी को भी उठा के मुख्यमंत्री आरपीएससी का मेंबर बना देता है, किसी को उठा के चेयरमैन बना देता है। वो आदमी जब जेल जाता है, पेपर भेजता है, तो उसको बनाने वाले की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि इसको जिस आदमी ने बनाया ऐसे आदमी का सिलेक्शन क्यों किया। वो उसका सिलेक्शन कोई कंपटीशन से नहीं होता, कोई बोर्ड से नहीं होता, मुख्यमंत्री नॉमिनेट करता है। जिस आदमी को नॉमिनेट कर दिया मैंने और वो आदमी चोर बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, मेरी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, ये तय होनी चाहिए। आज हमारा नौजवान, पड़ोस के लोग कमेंट्स कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहा था, घरवालों को बर्बाद कर दिया, फेल हो जाता है, कुछ नहीं करता, रिश्तेदार कमेंट्स करते हैं, दुखियों के ट्रेन से कट रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं बच्चे। ये जो सारी स्थिति बनी, इसके ऊपर बोलना पड़ा, जब बोलना पड़ा सरकार सुन नहीं पाई। मैंने सिर्फ इतना सा ही कहा था कि आप मणिपुर हमसे 3,500 किलोमीटर दूर है, 3,500 किलोमीटर, और आप राजस्थान को महिलाओं के दुष्कर्म ने पहले नंबर पर लाके शर्मसार कर दिया। अपने गिरेबान में झांक के देखो, अपने गिरेबान में इतनी बात के बाद तो मुझे बर्खास्त कर दिया गया। मेरे से पूछ लेते पार्टियों के जो सदस्य हैं, बड़ी पार्टियों के, वो पार्टियों के नाम से जीतते हैं,
कोई ज्यादा लोग परिवार के नाम से जीत जाते हैं। राजेंद्र बेटा, व्यक्तिगत मेरे कर्मों पर, मेरे चेहरे पर लोग विश्वास करके मुझे राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में बैठाया, मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी बन जाती है। और मुझे इसलिए जवान के लिए, नौजवान के लिए आत्मीय से बोलना पड़ता है। महिलाओं पर नौजवान ने मुझे वोट देके भिजवाया था विधानसभा में, क्या जवाब दूंगा मैं उसको कि हम तुम्हारे साथ न्याय नहीं कर पाए, क्या कहेंगे हम उनको। माता बहनों ने, हमारी माता और बहनों ने एक उम्मीद के साथ हमें राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में बैठाया था, क्या बोलूंगा उनको जाके कि हम राजस्थान को पहले स्थान पर ले आए महिलाओं के प्रति दुष्कर्मों में, क्या बोलेंगे हम। और जिस तरीके से लोगों के मुंह पर ताले लगा देते हैं, मेरी आलेखबान, मेरे नेता, मेरे गार्जियन और माँ बाप ये जनता है, मैं आपके प्रति वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं किसी आलेखबान को नहीं जानता, किसी नेता जो मेरे दिल में आता है। जनता को राजेंद्र बुड्ढा चाहिए था, मेरे जैसा आदमी चाहिए था, इसीलिए मुझे विधानसभा में भेजा है। मैं समझौता कैसे कर सकता हूँ। राजेंद्र बुड्ढा बेबाक बोलता है, बिना लाग लपेट के बोलता है, बिना किसी डर के बोलता है, इसीलिए तो राजेंद्र बुड्ढा के लिए हमें विधानसभा में भेजा था। यदि राजेंद्र बुड्ढा भी दूसरों की तरह बोलता तो नौजवान मेरे साथ नहीं होते। और इस बात के ऊपर मैं तो आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, मैंने कुर्सी पर बैठ के राजधर्म का पालन किया, मैंने कभी भी किसी तरह का कुर्सी पर बैठ के मैंने पक्षपात नहीं किया कभी भी। और यदि आपको पता भी है, शीतल के अंदर एक हरिराम एक था 2003 में, जाट समाज में सिंगल एक तरीके की मास्टर जो पढ़ाते थे, दो लोग साथ में। आज सारा का सारे ये लोग मेरे अच्छे कर्म होंगे, इसीलिए सारे लोग मैंने यहाँ बैठ के आशीर्वाद दे रहे हैं। काम देख के आए तो आप सब लोग उसे ये यात्रा लगभग 30 के आसपास पंचायतों में गुजर चुकी है, 10-15 पंचायतें और बच्ची हैं। यहाँ जाने के बाद सारे लोगों से एक बार मिलके बात कर रहा हूँ। और एक बार अशोक गहलोत कहता है, राजस्थान का मुख्यमंत्री शिवम के जन्मदिन के ऊपर आया था गहलोत, 50,000 लोगों में कहा था कि राजेंद्र गुड्डा ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया, ये नहीं होता तो मुख्यमंत्री नहीं होता। आज क्या हो गया, बर्खास्त कर दिया। अरे तुम्हें दो बार बनाया, एक बार नहीं, दो बार मुख्यमंत्री बनाने में मदद की, बहुत बड़ी तेरी सरकार का संकट था, संकट मोचन का काम किया था मैंने, संकट मोचन का। और पूरी ताकत से तेरी सरकार को मजबूती देने का काम किया था। जिस तरीके से आप विधानसभा का आखिरी सत्र का आखिरी सेकेंड लास्ट दिन और उसके बाद बर्खास्त कर रहे, फिर भी जिन्होंने मेरी डायरी छीनी, विधानसभा से सस्पेंड तो उनका करना चाहिए था। मैं मेरी डायरी टेबल करना चाह रहा था, जिन्होंने मेरी डायरी छीन ली उनको सस्पेंड करना चाहिए था विधानसभा को। एक सस्पेंड मुझे किया, होना तो यह चाहिए था कि मेरी बात को धन्यवाद करते कि गुरुदास ठीक कर रहा है। और महिलाओं के मामले के अंदर पुलिस को, डीजी को, एडीजी को, डीजी क्राइम को, इन सबको बैठा के मीटिंग करते कि महिलाओं की स्थिति को ठीक करो, इस क्राइम के अंदर जो स्थितियां खराब है, सारे लोग तो मंथली इकट्ठी करने में लगे हुए, कभी पिकअप को पकड़ते, मोटरसाइकिलों को पकड़ते, इससे पैसे मुकदमा लिखने के पैसे, मुकदमा में नाम काटने के पैसे, चलान हो जाए तो उसके पैसे, जगह जगह मंत्री लेना। और गृह मंत्री राजस्थान का मुख्यमंत्री खुद वही गृह मंत्री है, पूरा टाइम तो कुर्सी को बताने में लगा देता है महिलाओं के लिए, उसके बाद समय कहाँ है। डिपार्टमेंट वही वित्त मंत्री है, वही गृह मंत्री है, वही मुख्यमंत्री है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी घोटास को इसे में रखता है, रंधावा को इसे में रखता है।
अब सारे काम एक आदमी करेगा तो कैसे होंगे? कानून व्यवस्था खराब हो गई राजस्थान की, और यही स्थिति है। कभी राजस्थान में इस तरह का नहीं हुआ। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको पुलिस गोली मार रही है। ये कल्चर राजस्थान में नहीं था। आप इनको पकड़ के और इनको सुधारो, गोली मत मारो। ये आप गोली मारोगे तो ये भी गोली मारेंगे। आमने सामने एनकाउंटर राजस्थान में नहीं होता, यूपी बिहार में होता होगा। हमारा कल्चर नहीं है। इसके लिए बैठ के जिस तरीके से काम करना चाहिए, जिस तरीके से वो काम करना पड़ेगा। मैं तो आपको एक ही चीज बता रहा हूं, मुझे कह रहे माफी मांग ले, क्या गलती की है मैंने, इस चीज की माफी मांग लू। मैं तेरे को वापिस मंत्री बना देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे श्रीराम मेरे भाई, ठीक है तेरी बात, लेकिन हकीकत है ये। ये ठीक है, ये सच बात है कि मैंने पहचान में भी इस आदमी को भूल हो गई मेरे से। अशोक गहलोत के चेहरे पर मैंने विश्वास कर लिया, और जिस तरीके से इसने धोखा किया। लेकिन आपको एक बात बता दूं, पिछले राज के अंदर वसुंधरा ने मुझे जेल में डाला था, एक रास्ता जाम का छोटा सा मुकदमा लगा के। राजेंद्र गुड्डा तो पड़गिर के जेल में जाके फिर खड़ा हो गया, लेकिन वसुंधरा के समाचार समाप्त हो गए सदा सदा के लिए, कभी नहीं आएगी। और ये यही कोशिश अशोक गहलोत कर रहा है अब मुकदमे लगा के। मैं बता देना चाहता हूँ, मुकदमे लगा लेना, जेल में डाल लेना, पढ़ गुट के राजेंद्र गुड्डा तो खड़ा हो जाएगा कि तेरे सदा सदा के लिए समाचार समाप्त हो जाएंगे। अकेला चढ़ा भाट नहीं फोड़ सकता, पर बड़ू जो की आंख फोड़ दे, सिद्धू आंख में जाल पड़े। तो मैं आपको सिद्धू में आप सब लोगों ने बड़ी तादाद में आके और आपने आशीर्वाद दिया, और अब मुझे खेमा सर और उसके बाद में बचावा बता दे कि है। अभी बात कर लेते।